हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे लोग ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th के लिए गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपको पिछले क्लास में भी बता दिया गया था कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो क्लास 9th के लिए गणित यानी कि मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, आज आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें की गई थी। देखो, जिनकी भी पहली क्लास है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। जिनकी भी पहली क्लास है, देखो बेटा, मेरा नाम शुभम अग्रहरी है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने बीएससी प्लस बीएड किया हुआ है, और मैंने बीएससी मैथमेटिक्स में किया हुआ है। अध्यापन अनुभव जो मेरा है, यानी कि मैं पिछले 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं पिछले 4 सालों से गणित पढ़ा रहा हूँ, और इसी क्रम में मैं आपको भी पढ़ाने के लिए आया हुआ हूँ, ठीक? तो ये तो मेरे बारे में है छोटी सी जानकारी। अब देखो, क्लास अटेंड करते वक्त आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो क्या होंगी वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें, तो ध्यान से देखना। देखो, आप जब क्लास ज्वाइन करोगे ना, तो इस प्रकार से आपका मोबाइल होगा, ठीक है? मेरी बात को समझने का प्रयास करना। इस प्रकार से आपका ये मोबाइल है, तो होगा क्या कि आपको ना इस वाले बटन को, देखो ये वाला जो बटन है, इसको हमेशा ऐसे ही दबा करके रखना है, यानी कि बंद करके रखना है। कहने का मतलब ये है, ये माइक का बटन है और इसको हमेशा ऑफ रखना है, क्योंकि जब ऑफ रखोगे तो क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी और क्लास एकदम अच्छे से चलेगी, ठीक? और अगर मान लो तुम्हारा कुछ डाउट है, तुम्हें कुछ पूछना है बेटा, तो आप यहाँ पे आएंगे। देखिए, अब ये कैसे आएगा, आखिर ये वाला बॉक्स कैसे आएगा? देखो, इस थ्री डॉट पे क्लिक करोगे ना, इस थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तब जाके ये आएगा। क्लिक करके देखो, एकदम ऐसा ही बॉक्स बन के आएगा। और जब ऐसा ही बॉक्स बन करके आएगा, तो इसमें जाना है हमें, यानी इन कॉल मैसेज में, इन कॉल मैसेज, ठीक है? तो इन कॉल जब मैसेज में बेटा जाओगे आप, तो वहां पे क्लिक करते ही, यानी इस बटन को दबाते ही, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो या अपना डाउट पूछ सकते हो। मान लो तुम्हें कुछ क्वेश्चन नहीं आया समझ में, ठीक है, तो एन लिख सकते हो, अगर समझ में आ गया तो वाई लिख सकते हो। इस तरीके की चीजें हैं, तो ये कमेंट करने की बात है। तो बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बताओ बेटा। अगर हाँ, तो वाई टाइप करो। इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ये उन बच्चों को हम बता रहे हैं जो आज पहली बार क्लास ज्वाइन किए हैं। हालांकि जो इसके पहले वाले बच्चे हैं, यानी जिन्होंने पहली क्लास ज्वाइन की थी, उनको तो मालूम ही होगा ये सारी चीज। खैर, अब देखो यहाँ पे एक्टिविटीज लिखा हुआ है, ठीक है, एक्टिविटीज, इसको दबाओगे ना आप, इसको क्लिक करोगे, तो इस प्रकार से खुल जाएगा एक पोल का ऑप्शन, ठीक है, एक पोल का ऑप्शन खुल जाएगा। अब इस पोल के ऑप्शंस में आप क्या कर सकते हो, मेरे द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर दे सकते हो बच्चों, ठीक है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 32। अब इस क्वेश्चन नंबर 32 के बेटा 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से केवल केवल एक ही सही होगा। तो किसी भी एक को सही चूज करके, मान लो तुम्हारा बी वाला ऑप्शन सही है, तो बी को चूज करके यहाँ पे एक वोट का बटन होगा, वोट, ठीक है, VOTE, तो वोट का बटन होगा, इसको दबा देना। जो ही इसको दबाओगे ना आप, तो ये वोट से वोटेड हो जाएगा, वोटेड। जब वोटेड हो जाएगा, तो समझ जाना कि हाँ, आपने उसका उत्तर दे दिया। इस तरीके से आपको करना है। चलो, अब हम आगे से कंटिन्यू करते हैं जहां हमने पढ़ाया था कल। देखो, हमने यहां तक पढ़ा दिया था, क्यों बच्चों, यहां तक हमने सिखा दिया था आप सभी को। अब चलो, इस क्वेश्चन को करके बताओ, इस क्वेश्चन को करके बताओ। हम चैट बॉक्स बंद कर देते हैं और पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। सारे बच्चों को हमने बता भी दिया कि पोल कैसे आंसर करते हैं, पोल में। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर चूज करो पोल सेक्शन में जा करके। देखो, मुकेश, माइक बंद रखो। अभी कुछ समझाया है ना कि माइक बंद रखना है,
जो तुम्हारी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पे बेटा माइक बना हुआ है ना, उसको प्रेस कर दो, उसको दबा दो ताकि वो बंद रहे। कोई भी बच्चा क्लास में माइक नहीं ऑन करेगा। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी कोई माइक नहीं ऑन करेगा। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। चलो बच्चों 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड के बाद हम ये पोल बंद कर देंगे, सिर्फ 5 सेकेंड। तो जल्दी से आंसर करो। ठीक है, अब हम पोल बंद कर रहे हैं और बेटा हम चैट बॉक्स ऑन कर रहे हैं। चलो आंसर करो चैट बॉक्स में, कौन सा ऑप्शन से करेक्ट होगा, ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अब सवाल में बोला क्या है, मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, जिन बच्चों का नाम कितना होता है, 5 बच्चों, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही यस है। तो सर, यस सर। हम, हाँ, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक। अब बताइए कि क्या आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया। बताइए क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया। गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा बेसिस ऑफ टेबल्स पढ़ेंगे, ठीक है। आखिर ये है क्या, तो ध्यान से देखना। जब जीरो को गुणा कराते हैं किसी भी संख्या से, ठीक है, जीरो का गुणा कराते हैं किसी भी संख्या से, तो क्या आता है, कौन बताएगा। किसी सर भी जीरो संख्या ही को, आता किसी भी है। संख्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। नहीं सर, आ रही है। आ रही है ना, ठीक है। तो जिस बच्चे को नहीं आ रही है, यानी राहुल को अगर नहीं आ रही है, तो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो बेटा। देखो, तो 0 गुणा 1 जीरो होता है, जूरे सॉरी 0 गुणे 2 जीरो होता है,
0 × 3 ये भी 0 होगा, यानी जितने भी ये चीजें हैं वो सबका उत्तर क्या आएगा, आएगा सर, जीरो जीरो आएगा। आएगा तो एक बात बताओ, अगर 0 का गुणा ठीक है सर, जीरो आएगा 5, हाँ 503 में कराया जाए तो क्या आएगा, सर, जीरो। 0। वेरी नाइस। ठीक, तो यही आपको सिखाया जा रहा है। अब देखो, अब मान लो 0 को केवल एक बार जोड़ो तो 0 आएगा। अच्छा, अगर 0 का गुणा 2 बार किया गया, इसका मतलब क्या है, 0 को 2 बार जोड़ सकते हैं तब भी तो आंसर 0 ही आएगा। देखो, 0 का गुणा 3 में बोलना कराया है ना बेटा, 0 का गुणा 3 में कराया गया, इसका मतलब 0 को आप 3 बार जोड़ोगे तब भी आंसर वही सेम ही आएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक, तो अगर मान लो 0 × 7 है तो बताओ 0 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा। 0 × 7 है तो 0 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, सर, 7 बार 7 बार। अच्छा, एक बात और, सर, 10 बार आप लोग माइक नहीं ऑन करिए, ठीक है, माइक नहीं ऑन करिए, सिर्फ और सिर्फ चैट बॉक्स में उत्तर करिए। अब कोई बच्चा अगर कुछ उत्तर देना चाहता है तो वो चैट बॉक्स में देगा, सर, कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, दीपक चौहान के नाम से जो भी है। चलो बस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो इस पेज का, या ठीक है, या इस स्क्रीन का स्क्रीन शॉट ले लो आप। क्यों ले लो, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा कराने पर 0 ही प्राप्त होता है। जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, पहले वाले का आंसर क्या होगा, ABCD में से कौन सा आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पहले का आंसर होगा डी। क्यों, क्योंकि 0 में 6 का गुणा कराने पर 0 आएगा। चलो दूसरा वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है, दूसरे वाले का भी 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। बताओ तीसरे वाले का आंसर, इसका भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि 700 का गुणा 0 में कराया जा रहा है तो आंसर 0 ही आएगा। चलो बताओ, मोबाइल में उपस्थित जितने भी अंक होते हैं उनका गुणा कराने पर कौन सी संख्या आएगी, कौन बताएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी नाइस। तो ध्यान से देखो अब, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे ये हुआ है कि मोबाइल में उपस्थित जितने भी अंक होते हैं तो 1 से लगाए 9 तक तो होते ही होते हैं, साथ में बेटा 0 भी तो होता है, अब खुद बताओ। और ज्यों ही सबका गुणा कराओगे तो आंसर क्या मिलने लगेगा, आंसर 0 मिलने लगेगा। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक पजल है, ठीक है, ये पजल है, ठीक है, बहुत बेहतरीन चीज है ये, इसको हम लोग लगाना सीखेंगे। ठीक है, देखो करना क्या है, देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और इसका मल्टीप्लाई करा जा रहा है 2 से, तो 2 × 2 कितना होता है, चैट बॉक्स में बताओ 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है ना। वेरी नाइस, तो ए की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, तो ए की वैल्यू बेटा 4 हो जाएगी। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इस 4 से कराओ, बताओ कितना आएगा, 16 आएगा। वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस, 16 आएगा, यानी कि ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू बेटा क्या होगी, तो बी की वैल्यू 16 होगी। चलो बच्चों बताओ, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू बताओ क्या होगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया बेटा, बाकी बच्चे भी बताइए। ठीक है, सी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1। क्यों, क्योंकि 1 का गुणा, ठीक है, 1 का गुणा 5 में कराने पर क्या आएगा, 5 आएगा। चलो सी की वैल्यू तो 1 हो गई। चलो डी की वैल्यू बताओ कितना होगा, 5 × 8 कितना होगा।
बहुत अच्छी बात, 40 होगा ना, वेरी नाइस, 40 होगा। चलो ई की वैल्यू बताओ क्या होगी, कौन बताएगा ई की वैल्यू? वेरी नाइस, विशाल के नाम से जो भी बच्चा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ई की वैल्यू बेटा 1 होगी, है ना। अब इस 1 का गुणा, ठीक है, इस 1 का गुणा 3 में कराओ, तो 3 एकम 3 होगा, 3 गुणे 3, शुभम ठीक है, 3 गुणे 3 हो जाएगा 9, ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर सब कुछ समझ में आ गया तो वाई टाइप करिए, नहीं आया तो एन टाइप कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन दे करोगे आप लोग? इसी प्रकार का एक क्वेश्चन दे तो करोगे, बिल्कुल करोगे ना, वाई नॉट। हाँ वेरी नाइस। हाँ सतीश के नाम से जो बच्चा है बताओ क्या परेशानी है बेटा तुम्हारा, माइक ऑन करके बताओ। क्या अरे सर समझ में नहीं आ रहे, नहीं समझ में आया बेटा बताओ? एक बार शुरू से बता दो इसको। अच्छा ठीक है बता देता हूँ। देखो वो कह रहा है यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं और कुछ जगहों पर ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो हमें यही ए बी सी डी की वैल्यू बतानी, जितने भी लोग हैं, है ना। आई थिंक ये एफ तक है, तो हमें ए बी सी डी ई एफ तक की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे देखो ये 2 लिखा हुआ है, चलो हम इसे इरेज कर देते हैं। देखो ये 2 लिखा है और यहाँ पे इंटू 2 लिखा है, तो तुम खुद सोचो 2 × 2 कितना होता है, माइक ऑन करके बताओ। फोर 4 होता है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 4 4। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इस 4 में कराओ, कितना आता है, 16 16 है। वेरी नाइस बेटा 16 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। तो बस यही फिल करना था, तो ए की वैल्यू और 4 ठीक थी। है सर, समझ में आ गया। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए अगर समझ में आ गया तो इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सारे बच्चे सॉल्व करिए। सारे बच्चे सॉल्व करिए इसको। हाँ सारे बच्चे सॉल्व करिए। वेरी नाइस, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। अच्छा आप लोग एक काम करिए, इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे रहे हैं ना, तो इस फॉर्म में देने की कोशिश करिए, यानी एक ही कमेंट में चैट बॉक्स में लिखिए, अलग अलग मत लिखिए। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी डी ई एफ, अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और एक ही बार में कमेंट करिए। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए का वैल्यू कॉमा, बी का वैल्यू कॉमा, सी का वैल्यू एंड सो ऑन। सपोज ए की वैल्यू अगर 2 आ रही है, तो ए की वैल्यू 2 लिख करके फिर बी की वैल्यू लिखना, फिर सी की वैल्यू एंड सो ऑन, ताकि एक कमेंट में पूरा आपका आंसर रहे और पढ़ने में आसानी हो और आपको चेक करने में आसानी हो, हमको चेक करने में आसानी हो कि कोई परेशानी तो नहीं है। ऐसे कमेंट करो।
बच्चों आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है, चलो मैं देख पा रहा हूँ कि बाकी सर, बच्चों ने भी हाँ बिल्कुल सही किया। यस यस यस। चलो अब मैं इस क्वेश्चन क्वेश्चन, दो। हाँ अब इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो करना क्या है, एक का मल्टीप्लाई करना है टू के साथ में, तो बताओ एक का मल्टीप्लाई टू में कराओगे तो क्या आएगा? टू आएगा, यानी एक की वैल्यू तो टू आ गई। अब इस टू का मल्टीप्लाई इस फोर में कराओ तो फोर टू जा एट होता है, तो ये एट हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमें मल्टीप्लाई कराना है सी की जगह पे, और आंसर कितना लाना है? 25 लाना है। कैसे आएगा 25 जब सी की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि 5 गुणे 5 कितना होता है? 25 होता है, तो सी की वैल्यू 5 हो गई। अब देखो ये 25 है, ये गुणे 1 है, दोनों का गुणा करा दो, 25 एक कम 25, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। अब देखो हमें गुणा करके लाना है 12 है, तो 4 तिया कितना होता है? 12 है, तो यानी ई की वैल्यू 4 आएगी, तो ई की वैल्यू यहाँ पे 4 लिख दो। और 12 गुणे 0 कितना होता है? 0 होता है। बताओ सबको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो चैट बॉक्स में वाई लिखो। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, सारे बच्चे सॉल्व करिए फिर से, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए, सारे बच्चे उत्तर दीजिए, और हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग एक ही चैट बॉक्स में आंसर करिए, यानी एक। देखो विशाल ने किया हुआ है, देखो विशाल ने किया हुआ है इस तरीके से, तो जिस तरीके से विशाल ने किया हुआ बाकी बच्चे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हाँ प्रतीक सैनी के नाम से एक बच्चा है, इन्होंने भी बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर करेंगे, अलग अलग करोगे ना तो बेटा दिक्कत हो जाएगा फिर। हाँ राहुल ने भी ठीक आंसर किया, वेरी नाइस मनीषा, गुड। सर्वो मुनीषा नाम की लड़की नहीं, महेंद्र बोल रही हूँ। महेंद्र अच्छा क्या नाम है आपका? महेंद्र, ठीक है। एक्चुअली आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ था मनीषा नेहा करके, इसीलिए मैं। सर, मेरी बहन पहले से क्लास लेती थी, इसीलिए सर आईडी बनी हुई थी। अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा। चलो बच्चों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोना अब इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखो क्या करना है कि हमें किसी एक संख्या को सोचना है जो कि ए हो, और उसको मल्टीप्लाई करा के आंसर क्या लाना है? 10। तो ये कब आएगा? जब ए की वैल्यू 5 हो, क्योंकि 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। अब देखो 10 का गुणा आप 0 में कराओ कितना आएगा? 0 आएगा, यानी बी की वैल्यू कितनी जीरो। होगी? 0। वेरी नाइस।
हमें सी एक ऐसी संख्या माननी है जिसका गुणा कराने पर 21 आता है, 21 आता है। कौन सी संख्या है जिसका गुणा कराने पर 7 से 21 आएगा? थ्री बहुत बढ़िया, थ्री 3। 3 की वैल्यू 3 हो जाएगी। अच्छा, अब थ्री 21 गुणे, मीन थ्री हाँ, इक्कीस ही 21 गुणे आएगा, 1 21 ही आएगा। इक्कीस वेरी इक्कीस नाइस। आएगा, इक्कीस। अरे वो बंद चलो हो गया, अब देखो यहाँ पे ई है, ई का गुणा 6 में अब कराना है और 24 लाना है। क्या बोल रहे हो? फोर माइक बंद करो। चलो बहुत अच्छी बात है, 4 आएगा। अब 24 का गुणा 6 0 में कराओ, कितना आएगा? 0। तो जीरो एफ की वैल्यू 0 और ई की जीरो वैल्यू 4। बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, ये समझ में आ गया? हाँ नहीं तो माइक मत ऑन करो ना, चैट में बताओ, चैट बॉक्स में वाई या एन टाइप करो। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो अब 6 से लेकर के 10 तक का पहाड़ा देखते हैं। पाली ये बताओ, किसको किसको याद है 6 से लेकर के 10 तक का पहाड़ा? जिनको याद है वो वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं याद है वो एन टाइप करेंगे। सबको याद है? चलो अगर सबको याद है तो जयसिंह के नाम से जो बच्चा है, चलो मुझे 6 का पहाड़ा सुनाओ। छम छ दिन 12 सच्ची 18 छोक सर थोड़ा भूल गया। आराम से सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से सुनाओ। 6 एकम 6 6 दिन 12 छत्तीस 18 6 चौक 24 सर अब याद नहीं आ रहा सर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। मोहित गुलिया के नाम से एक बच्चा है, चलो तुम सुनाओ। मोहित गुलिया, मोहित गुलिया के नाम से जो भी बच्चा है, 6 का पारा सुनाओ। हम माइक सुना ऑन, सर माइक ऑन करके। चलो प्रतीक तुम सुनाओ। हाँ प्रतीक तुम सुनाओ। सर 6 एकम 6 6 दुनी 12 6 तीय 18 6 चौक 24 6 पंजे 30 6 छीक 36 6 सत्ते 42 6 अठे 48 6 नीम 54 6 दस 60 सर बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? निखिल वाईडी निखिल। बनी है सर प्रतीक अच्छा, ठीक है निखिल, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है देखो बच्चों, यहाँ पे 6 का पारा होगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ठीक है, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छियक 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, ठीक है, 6 नवा 54 और 6 धामे 60। जिसको अभी को नहीं याद था वो याद कर लीजिए। ठीक है चलो, अब 7 का मैं पहाड़ा सुनना चाहूंगा, और 7 का पहाड़ा सुनाएंगे मनीषा नेहा के नाम से जो बच्चा अभी को था वो सुनाएगा। चलो सात एकम सात 7 दूनी 14 7 तीय 21 7 चौक 28 7 पंचे 35 7 छीक 42 7 सात 49 7 सात 49 7 8 56 7 नीम 63 7 दस 70। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है देखो बच्चों, इन्होंने बिल्कुल सही वाला आंसर दिया है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 सचे 42 और 7 सते 49, 7 बटे 56, 7 नवा 63 और 7 दहा में 70। चलो बहुत बढ़िया। अब 8 का पहाड़ा, तो 8 का पहाड़ा दीपक चौहान के नाम से एक बच्चा है, चलो तुम सुनाओ। दीपक चौहान, दीपक चौहान के नाम से जो भी बच्चा है, चलो 8 का पहाड़ा सुनाओ। चलो राहुल तुम सुनाओ। राहुल, 8 का हाँ 8 का सुनाओ। 8 एक 8 8 3 16 8 3 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 54 8 8 9 73 8 10 80
बताओ बच्चों, इन्होंने सही सुनाया है? यस गुड, बहुत बढ़िया। सर, तो ऐसे ही एक दूसरे की बातों को आप ध्यान से सुनते भी रहिए, ठीक है? यस सर, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने सही सुनाया। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, आठ यस सर, 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठे 64, 8 नौ 72 और 8 दामे 80। चलो, 9 का पहाड़ा तो कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा? सुमन चौहान के नाम से एक है, चलिए सुनाइए 9 का पहाड़ा। नौ एकम नौ, नौ दूनी 18, नौ नी सरी से ले सत्ताईस, आता, सुनाने दो सुनाने दो। हाँ सुना बेटा दो सुनो। भाई। नौ एकम नौ, नौ 18, नौ नौ 27, नौ नौ छिक्कीस, सही से नौ सुनाओ, छः इक्कीस याद नहीं है छत्तीस, क्या, नौ पंजे याद नहीं है क्या? पैंतालीस, नौ चौक 54, नौ तीन क्या चौवन, याद हाँ, आगे आगे सुनाओ। नहीं याद है? हाँ अच्छा, विशाल वर्मा के नाम से एक बच्चा है, सुनाओगे 9 का पहाड़ा बेटा? विशाल सुना रहे 9 का पहाड़ा तब कौन सुनाएगा इस क्लास में? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, नौ करना चौक 27, नौ चौक 36, नौ 45, नौ छक 54, नौ 63, नौ 72, नौ 81, नौ 92। सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या नाम है बेटा आपका? विशाल, विशाल, गुड। तो देखो यार, इन्होंने सुनाया 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पच्चीस 45, 9 छक्के 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, 9 में 81 और 9 दामे 90। चलो बहुत सही। चलो 10 का पहाड़ा कौन सुनाएगा? 10 20 सतीश। 30 40 50 60 70 अरे ऐसे 80 ऐसे होता है 90 100। पहाड़ा, ऐसे सर होता है मैं पहाड़ा। सुनूं? हाँ सुनाओ। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तीस, 10 चौक 40, 10 पंच 50, 10 छक 60, 10 सत्तर 80, 10 नीम 90, 10 250। ठीक है, हाँ तो आराम से सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40, 10 पच्चीस 50, 10 छक्का 60, 10 सते 70, 10 अठे 80, 10 नवा 90 और 10 दहामे 100। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिन लोगों को भी लेना हो, ठीक, ताकि आपके पास ये पहाड़ा सुरक्षित रहे। ठीक है, क्या सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? डन, ओके, नाइस। यस सर, चलो मोइक अब मतोनपुर, यस सारे बच्चे माइक बंद रखेंगे, सारे बच्चे माइक बंद रखिए। चलिए बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ABCD में से? अभी को जो मैंने पहाड़ा सिखाया उसी पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं। सर भी बी होगा, ठीक है। चलो ठीक है, बोलो मत बेटा, एकदम चैट बॉक्स में टाइप कर दो बस। तो सही बात है, 7 तारीख 21 होता है। अब देख लो 21 कहाँ पे है, तो 21 बी वाले ऑप्शन में है। चलो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, ABCD में से क्या होगा? चलो बच्चे बोल रहे हैं कि सर सी होगा, वेरी नाइस, सही भी बात है, 8 छक 48 होता है और 48 सी वाले ऑप्शन में। चलो थर्ड वाले का आंसर बताओ। थर्ड वाले का आंसर क्या होगा? बी होगा, वेरी नाइस। जिसको भी पहाड़ा याद होगा वो तुरंत कर ले जाएगा। तो 8 छक 48 यानी कि बी वाला ऑप्शन। फोर्थ वाला क्वेश्चन करके बताओ। फोर्थ वाला क्या होगा? ध्यान से देखो, ध्यान से। फोर्थ वाले का सर
बिल्कुल सही बात है। तो फोर्थ वाले का डी होगा। चलो फिफ्थ वाले का बताओ, 77,000, तो आंसर आता है 49, यानी कि ए वाला आंसर करेक्ट होगा। क्या सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं तो एन टाइप करो। ठीक है, चलो यार बहुत अच्छी बात है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ मुझे। तो हम चैट बॉक्स बंद कर रहे हैं और पोल सेक्शन ऑन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। मेरे में ये ऑप्शन नहीं है सर। माइक नहीं ऑन सर करो भी बेटा, माइक ऑन करके बताना ही नहीं है, क्या पता तुम्हारा आंसर गलत हो। सर हाँ ये ऑप्शन ही नहीं है। जानते हो, अगर तुमको आंसर बताना ही है इस प्रकार के क्वेश्चंस का, तो उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन सिखाए है ना सबको, तो पोल सर सेक्शन में, पोल 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 सर भी सेक्शन पोल सेक्शन नहीं दिखा मेरे में भी नहीं है। नहीं दिखा। एक्टिविटीज पे सर जाओ। थ्री सुनो 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 मेरी थ्री बात। डॉट भी नहीं आ रही सर। नहीं, ऐसे तो होगा ही नहीं कि 3 डॉट ना आए। सर नहीं है सर शायद नहीं तो है। स्क्रीनशॉट भेजे। ऐसा है क्या? यस सर सर। ये टैप इनसे बोलो ये टैप करके देखे एक बार। अरे हाँ, एक बार टैप, ना हाँ एक बार टैप करके देखो। अच्छा सर नहीं है सर। करके देख लिया कुछ भी नहीं है। सर सर तीन ही ऑप्शन है। अभी तो ये माइक तो बंद करो, जैसे ही तो बंद सर करो। तो जिसकी भी मोबाइल में 3 ऑप्शन आ रहा है, जरा वो अपना अपना नाम बताइए। तो किन लोगों के फोन में नहीं आ रहा है फोन में ऑप्शन? हमारे हमारे में नहीं आ रहा। अच्छा और कौन है? महेंद्र मेरे में भी नहीं आ रहा। अच्छा क्या नाम है? ठीक महेंद्र है, 2 लोग और सर मेरे में आ रहा है। आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब एकदम शांत, एकदम शांत। तो बच्चों जिनके पास भी, ठीक है, 3 वाला डॉट नहीं आ रहा है, तो प्ले स्टोर सभी लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? पहले इतना बताओ, आप सभी लोग जानते हैं जानते हो ना? तो प्ले स्टोर पे जाना, ठीक है, और गूगल मीट सर्च करना। ठीक है, गूगल मीट सर्च करोगे तो आराम से तुम्हारा एक ऐप आ जाएगा, यही गूगल मीट वाला। सर। गूगल मीट पर ही क्लास ले रहा हूँ मैं। हाँ सर वो हाँ उसी पर तो ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात तो सुनो। तो इस गूगल मीट को आपको क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट है सर अभी अभी तो डाउनलोड किया है। अच्छा ऐसा है क्या, अपडेट करने के बाद भी नहीं ठीक हुआ ये चीज? हाँ यस सर। अच्छा यानी कि तब नहीं हो सकती है, तब प्रॉब्लम है फिर बेटा। सर हम चैट बॉक्स ऑन कर दो सर उसमें दे देंगे। अरे नहीं हाँ होगा चलो, चैट बॉक्स ऑन कर दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, जिनके भी नहीं आ रहा वो चैट बॉक्स में आंसर करिए, कोई बात नहीं। ठीक है, चैट बॉक्स में हाँ आंसर करिए सभी लोग। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है सही विकल्प का चयन करें, 8 का गुणा 6 में करना है। तो हाँ बताओ बच्चों कितना होता है, 8 6 कितना होता है? 48 होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया आ गया, वेरी नाइस। सर। तो अगर आ गया ना, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जैसे मैंने बताया था ना, एक ही चैट बॉक्स में आंसर करना है। कैसे करेंगे? या तो इसी प्रकार से आंसर करो, लाइन बाय लाइन पूरा लिख डालो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, समझ रहे हो ना? लाइन बाय लाइन एकदम पूरा लिख डालो एफ तक, और तब जाके कमेंट करो, यानी तब जाके वो जो चैट में है ना ऑप्शन देने का मतलब है कि चैट बॉक्स सेंड करने का जो ऑप्शन है, तब जाके उसको प्रेस करना।
हम ये कहना चाह रहे हैं। चलो इसको सॉल्व करो। बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए। हेलो हेलो सर, आवाज़ नहीं आ रही। बोले कसा और रुदा पानोड़ी अरे भाई रुक जा, सर बोल ना रही बे। ऊपर दोनों पांडू गंजे गंजे रख जाना मारूंगा। मेरी आवाज आ रही है? तो बोलने यस आ सर, रही है। ए आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा यार आप लोग शांत रहा करो। हाँ सर, शांत रहो। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? गया आया? सर। ठीक है, अगर आया तो वाई टाइप करो। ओके, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीजें सीखेंगे, है ना? नेक्स्ट क्लास में ये चीजें हम लोग सीखेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। और हाँ, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो।
किसलिए सर? ताकि आपको पता रहे कि चीजें कैसे होनी है, कैसे करना है, ठीक है? चलो, अगर किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। बताओ, कुछ डाउट है आप सभी को? किसी का भी कुछ डाउट है? नहीं। ओके ओके, ठीक है बेटा। तो मैं अब, हाँ बिल्कुल, सर पोल सेक्शन कैसे आएगा? ये क्लास अब बंद कर रहा हूँ। अच्छा, पोल कैसे आएगा? ठीक है, मैं बता देता हूँ पोल कैसे आएगा। ये मैं क्लास बंद कर देता हूँ, ठीक है? आपकी ये क्लास ओवर हो गई है। अगर आपको कुछ डाउट अरे पूछ लीजिए। अब देखो, सात एक मिनट है बच्चे ने, सर। अभी एक बच्चे ने बोला कि सर पोल कैसे आता है, तो मैं बताता हूँ पोल कैसे आता है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। देखो होता क्या है, आप इस प्रकार से पढ़ पा रहे होगे, है ना? इस तरीके से आपको माइक बंद रखिए, माइक बंद रखेंगे सारे बच्चे। तो इस प्रकार से आपकी मोबाइल की स्क्रीन है। अब क्या होगा, अब आप इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, इस थ्री डॉट पे। जो ही इस थ्री डॉट पे बेटा क्लिक करोगे ना, इस वाले पे, इस पे क्लिक करते ही इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा। देखो ये वाला बॉक्स, ठीक। अब इस बॉक्स के बनते ही क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन है, ये देखो, ये वाला, ठीक है? ये इसको मैं नहीं पकड़, आता सर हमारे में। यस सबके सर। में है? नहीं सर यस हमारे में नहीं सर। है। हमारे अच्छा, में है। नो सर जिसके में नहीं। नहीं है, जिसके में नहीं है वो परेशान ना होइए। आप क्या करिएगा, बस कमेंट में आंसर करिएगा। लेकिन जिसके में शो हो रहा है वो ऐसे करेंगे जैसे मैं सिखा रहा हूँ। सर अब ये कमेंट वाले सेक्शन में है ना सर, पर ये ऐसे बोल रहे, थ्री डॉट ही हाँ, नहीं आ ये रही। अरे देखो, ये कमेंट वाला, ये यहाँ पे इनबॉक्स मैसेज वाला है। थ्री डॉट तो आ रही सर, लेकिन एक्टिविटी नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, यानी कि ये नहीं हो पा रहा है फिर आपका। तो इन कॉल मैसेज तो होगा, ठीक है? लेकिन यस एक्टिविटी, सर। हाँ एक्टिविटीज मान लो नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो। जिसके में भी नहीं है वो अपना आंसर चैट बॉक्स में देना। अब क्या करना, एक्टिविटीज को दबाना। दबाने के बाद क्या होगा, इस तरीके से आपको एक पोल दिखेगा। देखो यहाँ पे लिखा है पोल वन एक्टिव, ठीक है? सर। हाँ, अब यहाँ के बाद क्या करना है आपको, चलिए यहाँ के बाद यहाँ पे क्वेश्चन, ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हाँ बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मान लो तुमने बी को सेलेक्ट किया, तुमने यहाँ पे क्लिक करके यानी कि उस पे टच किया, तो बी सेलेक्ट हो जाएगा। अब बी को सेलेक्ट करते ही देखो, ये वोट पहले ऐसे लिखा हुआ था और अब देखो नीले कलर में लिखा है। सर अब इसको क्लिक करना है। हाँ, अब इस वोट को क्लिक करना है। जो ही इसको क्लिक करोगे ना बेटा, तो ये वोट से क्या हो जाएगा, वोटेड हो जाएगा, VOTED, प्रतीक चुप हो जाओ। वोटेड हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो चलो, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं करने के लिए, लेकिन दिक्कत हो जाएगा। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे सिखाते हैं इसको आगे। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। गया सर। यस सर यस आ गया। यस, ठीक है। तो ये क्लास ओवर होती है, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। नो सर। नहीं नहीं है सर। नहीं है, ठीक है ठीक है, आप क्लास को लीव करके जा सकते हैं, ठीक है बेटा।